आधे घंटे कह सकते हैं, वहां से निकले लोग। फिर जैसे ही हम लोग रूम पे आए तो अचानक से और दर्द भी बढ़ने लगा। फिर समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तो इंजेक्शन लगा, एक घंटे ही हुए थे, डेढ़ घंटे। फिर अचानक से जैसे ही रूम पे आए सिचुएशन और ख़राब हो गया, और तेज इसको दर्द होने लगा। अब समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें। फिर इसको तुरंत हम लोग बीएचयू में ले गए इमरजेंसी में, वहाँ से उन्होंने पर्ची कटवाया और फिर जल्दी जल्दी इसको ट्रीटमेंट इसका हुआ। वहाँ पहुँचे तो फिर बॉटल वॉटल जो भी इंजेक्शन था सब लगा, तब थोड़ा आराम मिला। फिर हम हम लोग आए थे सुबह के 5 बजे में, क्योंकि भाई थोड़ा ठीक हो गया था और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग एग्ज़ाम भी था तो मुझे सेंटर भी ढूंढना था, उसका जो भी अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन उसका चेकअप भी कराना था, जो भी जांच करने को दिया गया था ताकि पता चले क्या हुआ है। सोचे कि चलो अगले दिन मॉर्निंग के टाइम उसका अल्ट्रासाउंड होगा, पहले से भी अल्ट्रासाउंड हुआ था, मैं जा रहती हूँ वहाँ पे। लेकिन इन लोगों ने कहा था कि पत्थरी है, स्टोन है छोटा सा, लेकिन अभी आज मतलब वो अल्ट्रासाउंड हुआ है लेकिन उसमें ऐसा कुछ निकला नहीं है। अभी तो हॉस्पिटल में आदर्श बीएचयू है वहाँ पे, अभी मैं घर पे हूँ तो सोचा कि आप लोग से बातें शेयर करूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊँ कि कैसे क्या कैसे मैनेज हुआ सब। तो जैसे रिपोर्ट आएगा तो मैं आप सबको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, सब चीज़ बताऊंगी। बस आप लोग गॉड से प्रे करिए कि मेरे भाई जहाँ भी रहे या फिर सबके भाई जो जिसकी फैमिली है जहाँ भी खुश रहे, और कभी भी हम लोग किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा सबके लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए। और सबके अपने भाई अपनी मम्मी पापा बहन सभी लोग खुश रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, हैं कि नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कैसे और आगे क्या चीज़ हुई, तब तक के लिए इतना ही।